मेरे साथ बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी ऋतिक भालेकर जुड़ रहे हैं। ऋतिक, हाल फिलहाल में एक बयान आया था, रोटी को पलटने का वक्त आ गया है, नहीं पलटी जाएगी तो जल जाएगी। अब शरद पवार की तरफ से ये अनाउंसमेंट आना, कैसे देखा जाए, कैसे जोड़ा जाए, क्या इसके पीछे भी कोई सियासत हो सकती है या उन्हें लग रहा है कि समय आ गया है अब नेतृत्व बदलने का? जी बिल्कुल, कुछ ही दिनों पहले युवा मंथन, पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं का एक मंथन कार्यक्रम हुआ था जिसमें शरद पवार ने यह बयान दिया था कि अब रोटी पलटने का समय आ गया है। तब इशारा किसकी तरफ था, इस बारे में कई सारे कयास लगाए जा रहे थे। क्या वो पार्टी के जो आला नेता है उनको बदलने के बारे में बात कर रहे हैं, युवा नेतृत्व को संगठन में ऊंचे पद पर लाने की बात कर रहे हैं, या फिर इस समय जो महाराष्ट्र के राजनीति में चर्चा चल रही है कि अजीत पवार की बढ़ती बीजेपी से जो नजदीकियां है उसको चलते यह बयान दिया गया था कि अजीत पवार के आगे जाकर किस तरह से उन्हें पार्टी में जो कद है क्या उनका कम किया जाएगा, ऐसे भी कयास लगाए जा रहे थे। इस सबके बीच किसी ने भी ये नहीं सोचा था शुभांकर कि ये बात वो कर रहे हैं अपने बारे में, यानी खुद जो है पार्टी के अध्यक्ष पद से वो अलग होना चाहते हैं, वो स्टेप डाउन होना चाहते हैं, इस बारे में किसी को भी पता नहीं था। हालांकि आज जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ जिसमें उनके ऑटोबायोग्राफी के सेकंड पार्ट के बुक का इनॉग्रेशन किया गया, उस समय भी ये इस बात का किसी को भी इल्म नहीं था कि इस तरह की घोषणा जो है आज। देखिए, एक सवाल मन में आता है कि क्या ये चाचा भतीजे के बीच में जो एक रिफ्ट देखने को मिल रहा था, पण काँग्रेस चालले सोन्याजी चकड़ बघून, त्याच्यामुळे पवार साहेबांच्या आत्ताचा वयाचा विचार करता साहेबांशी आणि सगळ्यांशी चर्चा करून एका नवीन नेतृत्वाकडे आपण ही जबाबदारी देऊ पाहतोय। ते नेतृत्व साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली पार्टीचं काम करेल। शेवटी साहेब म्हणजेच पार्टी आहेत हे तर काही कुणी येडागाबाळ्यांनी पण सांगायचं कारण नाही। त्याच्यामुळं आपण जे सारखं आखिरकार शरद पवार ही हमारी पार्टी है ये बताने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि अब पवार साहब ने ये निर्णय घोषित किया है, चाहे अपनी राजनीतिक लाइफ में शरद पवार जिस तरह से काम करते हैं, वो वाईबी चव्हाण सेंटर में आते हैं, वो सिल्वर ओक पे काम करते हैं, वो महाराष्ट्र का दौरा करते हैं, वो समाज के हर तबके की तरफ ध्यान देकर उनके लिए काम करते नजर आते हैं। ये वो काम करते रहेंगे भले ही ये उन्होंने कहा है। लेकिन शरद पवार ने अब निर्णय घोषित कर दिया है, पवार साहब चाहे अध्यक्ष रहे या ना रहे, लेकिन पार्टी का जो काम है वो इसी तरह से आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस तरह की बात हम देख रहे हैं अजीत पवार कर रहे हैं। तुम्हें भावनिक बोल लगे आम दुसरा पर्याय नहीं, आमक नहीं, अरे साहब आए ना पर्याय नहीं, दुसरा कुड़ा पर्याय तुम्हारा माला कार्यकर्ताओं का अजीत पवार बता रहे हैं कि अब पवार साहब ने अपना निर्णय ले लिया है, अभी भावनिक होकर इस तरह से निर्णय बदलने का आग्रह करना कितना सही है ये भी हमें सोचना चाहिए। राष्ट्रवादीची काही मीटिंग वगैरे असेल तरी देखील त्याच्यामध्ये आपण जसं आपल्या घरा जो नए अध्यक्ष होंगे वो भी पार्टी की कमान संभालेंगे, नई नई चीजें सीखेंगे, सिर्फ राज्य में ही नहीं पूरे देश में अलग अलग बैठकों में जाकर शामिल होंगे। पवार साहब मार्गदर्शन करते रहेंगे, चाहे कोई भी अध्यक्ष हो पार्टी का या दूसरे राज्यों में चाहे कोई भी अध्यक्ष हो, पवार साहब के बगैर पार्टी का कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता, उनका मार्गदर्शन हमें कायम रहेगा। साधारण चर्चा करायची काय कुणाचं मत आहे काय नाही
पवार साहब अध्यक्ष के तौर पर भी हमेशा से सभी पार्टी के आला नेताओं को साथ में लेकर बैठते थे, बैठक करते थे, बातचीत करते थे, चर्चा होती थी और उसी के बाद सहमति से निर्णय लिया जाता था। इतर कुठल्या तरी भाकरी फिरवायच्या अशा पद्धतीने लोकांनी त्याच्यातनं अर्थ लोकांनी म्हणजे कार्यकर्त्यांनी जब उन्होंने बयान किया था कि अब रोटी पलटने का समय आ गया है, तब लोगों को लगा था कि पता नहीं किस तरह से संगठन में रोटी पलटी जाएगी और किस तरह से बदलाव देखने को मिलेंगे, लेकिन किसी को भी इल्म नहीं था कि ये बात उन्होंने खुद के बारे में कही थी। मैं आप सभी को विनती करता हूँ कि बार बार आग्रह ना करें, पवार साहब की उंगली पकड़ के ही हम सभी ने इस संगठन में, इस पार्टी में, राज्य में और देश में काम किया हुआ है। अगर कोई नया अध्यक्ष होता है और उसे अगर मौका मिलता है नई नई बात सीखने का, पार्टी को अलग तरीके से आगे लेके जाने का, तो क्यों किसी को दिक्कत होनी चाहिए? इस तरह की बात अजीत पवार अपने कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं। साहब महाराष्ट्र में घूमने ही वाले हैं, देश भर में घूमने ही वाले हैं और हर समय उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा। नवीन होणारा अध्यक्ष, नवीन होणारी कार्यकारिणी, बाकीचे सगळे सहकारी साहेबांशी चर्चा करूनच पुढचे निर्णय घेणार, चाहे सांसद के चुनाव हो या विधायकों के चुनाव हो, पवार साहब से चर्चा किए बगैर कोई भी निर्णय पार्टी में नहीं लिया जा सकता। काही भावनिक होण्याचं काही कारण नाही। हा प्रसंग कधी ना कधी येणार होता, किसी को भी इस घोषणा के बाद भावनिक होने का कोई कारण नहीं है। एक मे को ही इस बात की घोषणा होने वाली थी, लेकिन महाविकास आघाड़ी की वज्रमुठ की रैली 1 मई को मुंबई में होनी थी, इसलिए आज का दिन तय किया गया। करता सग्या गोष्टी अतिशय व्यवस्थितपणे होती, हे मी पण साहेबांच्या साक्षीने तुम्हाला सगळ्यांना सांगतो। धन्यवाद। शरद पवार के मार्गदर्शन में आगे की पार्टी की जो रणनीति है, जो कामकाज है, वो इसी तरह से आगे चलता रहेगा, सही तरीके से चलता रहेगा। कांग्रेस के देश निर्णय मुले चुकी से निर्णय मुले कांग्रेस से काय परिस्थिति है, उत्तर प्रदेश के शर्मा राष्ट्रीय महासचिव है, कोई दूसरे नेता बता रहे हैं कि आज पूरे देश में कांग्रेस की स्थिति क्या है वो देखनी जरूरी है, क्योंकि नेतृत्व बदल सही वक्त पर नहीं किया गया तो क्या हश्र होता है, ये कांग्रेस की तरफ देखकर हमें पता चलना चाहिए। आखिर तक पवार साहब पार्टी के मुखिया ही रहेंगे, मार्गदर्शन करते रहेंगे, यह हमें मान्य करना होगा। हालांकि अजीत पवार जो कि शरद पवार ने लिए निर्णय से सहमत दिख रहे हैं और सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को और आला नेताओं को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो निर्णय लिया है, जो घोषणा आज हुई है, वो पार्टी के कैसे हित में है। बावजूद उसके हम देख रहे हैं कि किस तरह से पार्टी के कार्यकर्ता अभी भी अड़े हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि शरद पवार पार्टी में सक्रिय भूमिका में शामिल रहे। हेलो साहेब, आता कुठल्याही परिस्थितीत आपण हा निर्णय बदलण्याशिवाय आपल्याला काही पर्याय राहिलेला नाहीये। मी आपल्याला 1999 साली जेव्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आलेलो होतो तेव्हाच मी आपल्याला स्पष्ट शब्दात सांगितलं होतं की शेवटपर्यंत हा पक्ष आपल्या भोवती फिरणार आहे आणि आजही 2023 साली त्यात किंचितही कुठला फरक होणार नाही। आपण हा निर्णय का घेतला हे कोणाच्याच
आमच्या आपल्यापुढे जर आम्हाला राजकीय अनुभव काहीच नाही रे, आम्ही म्हणणारे नाही आणि कधी मानणारे नाही. आपला प्रत्येक शब्द आम्ही प्रमाण मानून इतकी वर्ष काम केलेलं आहे. आज आपल्याही 60 वर्षाच्या कारकिर्दीत असा प्रश्न पहिल्यांदाच आला असणार की लोकांच्या सांगण्यावर आपण हा निर्णय दादा आपण सगळेजण जरी साहेबांच्या शब्दाबाहेर करणार अध्यक्षपद हे काही साहेबांचं काही आर्थिक नाही. मला असं वाटतं की साहेब पदावरून आपण कुठेही बाहेर जाऊ नये ही माझी विनंती आपली सगळ्यांना राहणार. निंबाळकर भी विनती कर रहे हैं कि भले ही अजित पवार बता रहे हैं कि किस तरह से नए अध्यक्ष की अब पार्टी को जरूरत है, लेकिन हम अभी भी इसी भूमिका पर अटल है, कायम है कि आपका नेतृत्व पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. सांसद सुप्रिया सुले से आग्रह किया जा रहा है कि वो भी इस समय पर बात करें और अपनी भूमिका सामने रखें. कार्यकर्ताओं की तरफ से अभी भी घोषणाएं दी जा रही है कि जो निर्णय शरद पवार ने लिया है वो किसी को भी स्वीकार नहीं है. साहेब आपण तो आहेत अध्यक्ष राहा आणि पक्षप्रमुख म्हणून कोणातरी जबाबदारी द्या, एवढी विनंती आहे. अभी भी कार्यकर्ताओं की तरफ से कोशिशें चल रही है कि शरद पवार को मनाया जाए. उनको कहा जा रहा है कि आखिरी दम तक आप ही पार्टी के मुखिया के तौर पर जिम्मेदारी स्वीकारे और बने रहे. राज्यभरातून येत आहेत, आपले सगळे सहकारी आहेत, ते अतिशय पॅनिक झालेले आहेत साहेब. आणि खूप लोकांचे फोन येते दादा, खरं म्हणजे आता आपण साहेबांनी ताबडतोब आपला निर्णय मागे घ्यायला पाहिजे. पुरे महाराष्ट्र से पुरे राज्य से कार्यकर्ताओं के फोन आना शुरू हो गए हैं. कार्यकर्ताओं में अस्वस्थता दिख रही है इस निर्णय से. सांगावं लागेल त्यांना की आपण हा निर्णय बहुत ही व्यथित है ऐसा बताया जा रहा है. काही अघटित घडू नये एवढेच मी आपल्याला विनंती करतो साहेब. इस निर्णय के बारे में आप पुनर्विचार करें, ये हम सभी की विनती है. आप अपनी भूमिका बदलने में कोई भी विलंब ना करें, जल्द से जल्द आप अपना निर्णय पीछे ले. इस तरह की गुजारिश पूरे राज्य से कार्यकर्ता कर रहे हैं, उनके फोन आ रहे हैं. कई लोग मुंबई की तरफ आ रहे हैं, निकल चुके हैं. सभी कार्यकर्ता विनती कर रहे हैं कि पवार अपने निर्णय को पीछे ले.